मैं कहेंगे जी आपका स्वागत है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आज मेरा टॉपिक है बिल्डिंग प्रोसेस। बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट मैं क्लासिफिकेशन, बिल्डिंग हम क्यों करते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन है मैं बिल्डिंग क्यों करता हूँ। तो बिल्डिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटल पार्ट्स टूगेदर टू गिव ए साउंड एंड स्ट्रांग जॉइंट। फ्रेंड्स जो बिल्डिंग मीन्स होता है एक ऐसा प्रोसेस है जो ज्वाइन करता है किसको, टू मेटल, चाहे सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, टू मेटल पार्ट्स को ज्वाइंट करता है टुगेदर साथ साथ में साउंड के साथ एंड स्ट्रांग जॉइंट बनाता है। द बिल्डिंग प्रोसेस इज सब डिवाइडेड इन टू टू मेन क्लास। जो बिल्डिंग प्रोसेस है उसको दो मेन ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन है फ्रेंड्स, फर्स्ट है फ्यूजन बिल्डिंग, सेकंड है प्रेशर बिल्डिंग। अब हम जान लेते हैं फ्यूजन बिल्डिंग क्या होता है। फ्यूजन बिल्डिंग होता है फ्रेंड्स विच इन्वॉल्व हीटिंग द इंड्स ऑफ मेटल पीस। यह इन्वॉल्व होता है, हीट को इन्वॉल्व किया जाता है कहाँ पर, मेटल पीस के इंड पर, जहाँ पर हम मेटल को हमको बेल्ट करना है वहाँ पर, टू बी ज्वाइंट ए टेम्परेचर हाई इनफ टू काज देम टू मेल्ट आर फ्यूज एंड देन अलाउिंग द ज्वाइंट टू कूल। इसमें फ्रेंड्स ज्वाइंट किया जाता है टू टेम्परेचर पर हाई इनफ पर्याप्त मात्रा में, इसका कारण है कि जब मेटल मेल्ट हो जाता है अथवा फ्यूज हो जाता है अलाउंग द ज्वाइंट टू कूल, और क्या करते हैं ज्वाइंट को बेल्ट होने, ज्वाइंट होने उसके मेटल को हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। दिस प्रोसेस इज सम व्हाट सिमिलर टू कास्टिंग प्रोसेस। यह प्रोसेस जहाँ तक का सिमिलर होता है किसके, कास्टिंग प्रोसेस का सिमिलर होता है। द ज्वाइंट आफ्टर द फ्यूज मेटल है सॉलिडफाइड। जो ज्वाइंट होता है जोड़ने के बाद जो मेटल फ्यूज में रहा होता है उसे क्या करते हैं, सॉलिडफाइड करने के लिए हम कूल करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रांग ज्वाइंट को रिजल्ट मेरा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रेशर बिल्डिंग। प्रेशर बिल्डिंग क्या होता है, विच इन्वॉल्व हीटिंग द इंड्स ऑफ मेटल हीट। इसमें भी जो कि इन्वॉल्व होता है हीटिंग इंड्स ऑफ मेटल पीस, मेटल पीस के इंड्स पर हीट इन्वॉल्व किया जाता है। टू बी ज्वाइंट टू हाई टेम्परेचर, और हमें ज्वाइंट करने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, बट लोअर देन दियर मेल्टिंग पॉइंट, कुछ इसके अपेक्षा में क्या होता है उनके मेल्टिंग पॉइंट लोअर रखा जाता है, एंड देर कीपिंग द मेटल पीस ज्वाइंट टूगेदर अंडर प्रेशर फॉर सम टाइम्स। और मेटल पीस को जोड़ा जाता है साथ साथ में कुछ उसके नीचे, मतलब कुछ मात्रा में प्रेशर भी रखते हैं कुछ समय के लिए। दिस रिजल्ट इन द पीस वेल्डिंग टुगेदर टू प्रोड्यूस ए स्ट्रांग ज्वाइंट। और यह प्रक्रम, यह जो परिणाम है वेल्डिंग टुगेदर करते समय हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रांग ज्वाइंट मिलता है। फ्रेंड जान लेते हैं देयर आर मेनी सब क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग अंडर ईच हेड। हम इसको जो वेल्डिंग मेरा है उसको हम सब क्लासिफिकेशन अंडर हेड के प्रत्येक के बारे में डिवाइड किया गया है। सब क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन और प्रेशर वेल्डिंग। इसमें जो वेल्डिंग के अकॉर्डिंग सोर्स कौन होते हैं, हमें क्या आवश्यकता होती है, फ्यूज कैसे किया जाता है, प्रेशर कितना होता है, ये सब इसमें डिवाइड किया गया है। तो वी शैल डील विथ बट थ्री ऑफ देम, जो कि इसमें हम तीन की क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट है गैस वेल्डिंग, सेकेंड है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, सी है फ्रेंड्स थर्ड है इसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। फ्रेंड्स अगर आपको टॉपिक पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।